बहुत सारे बिज़नेस स्कूल जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप पर रन कर रहे हैं और बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं ताकि जो बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं उनको इस तरफ मोटिवेट किया जाए कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने तो देर इज़ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विच आर रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग देयर ओन बिजनेस वी नीड टू नो वट इज एन एंट्रप्रेन्योर एंट्रप्रन्य क्या है एंट्रप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंट्रप्रन्योर एक ऐसा शख्स है जो कि अपने पैसे लगाता है इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क लेता है क्योंकि जो रिस्क है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड करेक्ट्रिस्टिक ऑफ एवरी बिजनेस और अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर वो uh, अपने पैसे लगा के रिस्क ले के तो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है और ये तमाम जो होता है दैट इज़ डन थ्रू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्स टू कैप्टलाइज ऑन दैम ये सब करने से पहले वो मार्किट प्लेस को स्टडी करता है मार्केट प्लेस में ऑपरचुनिटीज फाइंड आउट करता है और फिर उन ऑपरचुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करता है अपनी बनाई हुई गुड्स या सर्विस के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टिस्टिक्स हैं एंट्रप्रेन्योरस के जिसमें डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रप्रेन्योर वो शख्स है जो कि तमाम बिज़नेस की जिम्मेदारी लेता है यानी जो मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं किसी भी कारोबार के भले वो कारोबार छोटा हो मीडियम साइज हो या बड़ा हो उसके जो सेक्शंस हैं जो डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डायमेंशनस हैं बिजनेस की वो वैसे ही हैं जब आप जॉब कर रहे हैं यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक सेक्शन एंड सेगमेंट ऑफ बिजनेस बट एंट्रप्रेन्योर के मामले में ऐसा नहीं है एंट्रप्रेन्योर जो है वो जिम्मेदार होता है तमाम सेक्शन ऑफ कारोबार कि जितने भी बिज़नेस के सेक्शंस हैं उसको वो खुद कर रहा है या उसने लोग आ, रखे हैं जो कि उन बिजनेस बिज़नेस के उन ऑस्पेक्ट्स बिजनस को लुक आफ्टर कर रहे हैं लेकिन उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट लाइज विद द एंटरप्रेन्योर अच्छा अब आ, तमाम कारोबार की तरह उसको कारोबार में रिस्क लेना पड़ेगा रिस्क क्या है रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द रिवार्ड एंड आउटकम ऑफ द बिजनेस है तो जो एंटरप्रेन्योर है हमारा वो यूजुअली हाई रिस्क बिजनेसेस की तरफ नहीं जाता बल्कि वो लो टू मॉडरेट जो रिस्क हैं उनकी तरफ जाता है और ऐसे बिजनेसेस करने की कोशिश करता है जिनमें जो रिस्क का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो वो कम हो या मॉडरेट हो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस है यानी वो उसको अपनी सलाहियतों पे एतबार होता है और वो ये जानता है कि जितने भी चैलेंजेस हैं उसको वो अकेला अच्छे तरीके से नंबर दस हो सकेगा और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए वो अपने बिजनेस को कामयाब कर सकेगा तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी देन ही हैज़ द डिज़ायर फॉर इमीडिएट फीडबैक इमीडिएट फीडबैक का मतलब ये है कि चूंकि उसने पैसे लगाए हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल है कि थ्रू लैंडिंग हासिल की हों पॉसिबल है कि उसमें और पार्टनर्स हों तो उसको उसके लिए जो है वो कोई ऐसा बिजनेस सूटेबल नहीं होता जिसमें जो रिस्पांस है मार्केट का सेल्स की सूरत में या बिजनेस के सक्सेस की सूरत में वो बहुत लेट आए बल्कि वो चाहता है कि जो मार्केट रिस्पांस है उससे उसको जल्द आगाही हासिल हो जाए देन ही मस्ट बी हैविंग हाई लेवल ऑफ एनर्जीज वो इसके लिए फ़िज़िकली जो है वो फिट होना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो वो जो चैलेंजेस हैं उनके साथ वो सही तरीके से उन चैलेंजेस को फ़ेस नहीं कर सकेगा बिकॉज देर आर लॉन्गर वर्किंग आवर्स बिकॉज देर इज़ अ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज देर आर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस तो इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए एनर्जी का लेवल हाई होना बड़ा ज़रूरी है देन देर इज़ फ्यूचर ऑरियंटेशन यूजली ये देखा गया है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस करते हैं समटाइम्स वो उसको उस बिज़नेस के होते हुए ही कुछ अरसे बाद दूसरा बिजनेस करते हैं तीसरा बिजनेस करते हैं और वो एक चेन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस बना लेते हैं या दूसरी सूरत में एक सक्सेसफुल बिज़नेस करने के बाद उस बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अच्छी प्राइस पे और फिर दोबारा से एक नया बिज़नेस शुरू करते हैं और एज वी नो दैट ही कैन नॉट डू एवरी थिंग सो ही हैज़ द पर्सन तो उस उसके में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छी टीम का इंतब करें अच्छे वर्कर्स अच्छे मैनेजर्स जो है उनकी सिलेक्शन करें और फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब उनको आ, जो जॉब्स दे जिन जॉब्स पे उनको लगाए वो उनकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज के मुताबिक हो और फिर उनको मोटिवेट करें और उनको आ, जो गोल्स हैं बिजनेस के उससे मुतलिक आगाह करें और उनके ऊपर एक कंट्रोल और चेक रखें। देन देर इज वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी जाहिर है किसी भी बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है जो एंटरप्रेन्योर है वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बल्कि सक्सेस और ग्रोथ और गुडविल एंड इमेज ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बिकॉज उसका जो रिलेशन है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि एक दफा आप पैसे कमा लिए और उसके बाद बस ऐसा नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है पैसों का आना जरूरी है लेकिन आ, जो अचीवमेंट है जो सक्सेस है वो इससे बढ़कर है इसलिए वो सिर्फ आ, मुनाफा और पैसों पे नज़र नहीं रखता बल्कि इसके साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स जो हैं उसको भी मल्टीप्लाई करता चला जाता है सो so, एंटरप्रेन्योर के इस तारफ़ को मद्देनज़र रख के हम ये देखते हैं कि फिर एंट्रप्रेन्योरशिप क्या है एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए डिसिप्लिन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट प्लेस कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट प्लेस में उनको किस तरह से कैप्चर किया जाए क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ज़रिए यानी एक क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए एक न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स के ज़रिए और फिर एप्लीकेशन ऑफ द थॉट, क्रिएटिविटी इज़ अ थॉट एंड इनोवेशन इज एन एप्लीकेशन तो ये आ, इसको सिस्टमेटिकली सोच के नई बात पे या पुराने ही काम को अच्छे तरीके से नए तरीके से करने के बारे में सोचना ये क्रिएटिविटी है और फिर इसके ऊपर एप्लीकेशन करना ये इनोवेशन तो इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए वो मार्केट प्लेस में अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करता है और कैप्चर करके सक्सेसफुल होने की कोशिश करता आजकल जो वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब है कि कोई भी शख्स एनी वन रिगार्डल ऑफ एज रेस जेंडर कलर नेशनल ऑरिजिन और एनी अदर करेक्ट्रिस्टिक्स कैन बिकम एंट्रप्र्योर कि इस में दाखिले के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी वाला ही अच्छा इंट्रप्रेन्योर हो सकता है या किसी ख़ास सूबे से तल्लक रखने वाला ही अच्छा इंट्रप्रन हो सकता है या सिर्फ़ मैन ही सक्सेसफुल हो सकते हैं या एक ख़ास उम्र गुजरने के बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वो ही कामयाबी का निशान है ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की उसको जब हम देखें तो बहुत सारे बिजनेस में छोटी उम्र के लोग बहुत सारे बिजनेस में बड़ी उम्र के लोग कई बिज़नेसेस में मेल कई बिजनेसिस में फीमेल जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन हैविंग सेट सो ये भी हम नहीं कह सकते कि हर शख्स जो है उसको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए क्योंकि कुछ बुनियादी कैपेसिटीज़ हैं कैपेबिलिटीज़ हैं विच यू शुड फाइंड इन योर सेल्फ बिफोर डिसाइडिंग टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर